कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर प्यार बचा ही नहीं है। मैं किसी को भी प्यार नहीं दे सकता। डॉक्टर शिव, हमारी शादी उससे होने वाली है जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम दो मिनट भी बिता लेना, हमें ऐसा लगता है कि हम लकी हैं। उस इंसान के साथ हम पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं। हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उस इंसान के साथ हमारा नाम जुड़ने जा रहा है। हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर हमारी शादी भी नहीं होती ना, अगर हम सिर्फ दोस्त होते तो भी हम खुश होते, अपने आप को लकी मानते। अगर हम दोस्त नहीं होते, आप सिर्फ हमारे टीचर होते और हम आपके स्टूडेंट, तो भी हम खुश होते। अगर आप हमारे टीचर नहीं होते और अगर हम आपके आसपास नहीं रह पाते ना, तो भी हम खुश होते। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम खुश नसीब है कि आप जैसे इंसान को हमें जानने का मौका मिला है। लेकिन यहां तो हमारी पूरी जिंदगी हम साथ बिताने वाले। क्या आपको अब भी लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए, हमारे हाथों में, हमारी मेहंदी में आपका नाम लिखा है। आप हमारी किस्मत में हैं डॉक्टर शिव। शक्ति को शिव मिल रहा है, इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, इसे अच्छे कर्मों का फल कहते हैं, कड़ी तपस्या का वरदान, शिव जी की मर्जी, भोलेनाथ का वरदान और कुछ नहीं। I love you, Dr. Shiv. मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर प्यार बचा ही नहीं है। मैं किसी को भी प्यार नहीं दे सकता।